हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कवलजीत और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं देन प्लीज मेरा वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपने देख लिया थंबनेल पे कि आप कैसे पेटीएम के थ्रू आप कैसे मेट्रो ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं गाइड करूंगा। और इसके लिए सिर्फ आपके स्मार्टफोन पे पेटीएम ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक पेटीएम इंस्टॉल्ड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके पेटीएम को डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड से अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद आप पेटीएम से ही अपना मेट्रो ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं बहुत ईजिली। और मैं ज्यादा वेट न करते हुए आपको सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। और उससे पहले मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा, प्लीज मेरा वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो अगर वो भी मेट्रो ट्रेन का यूज करते हैं देन वो कैसे अपने पेटीएम के थ्रू ही मेट्रो ट्रेन की टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें गाइड हो जाएगा। सो लेट्स वी गो टू द ऐप। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है पेटीएम ऐप। आपको ओपन कर लेना है पेटीएम, रजिस्ट्रेशन या केवाईसी कंप्लीट करने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको सीधे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब थोड़ा सा नीचे आना है आपको एंड जस्ट क्लिक ऑन द ऑल सर्विसेज। माय पेटीएम पे आप आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस एंड हिस्ट्री, पेटीएम बैंक, पेटीएम वैलेट, ऑल सर्विसेज। आपको ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। देखिए मैंने प्रेस किया और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इन सब पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है। शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, इंश्योरेंस कैसे पे कर सकते हैं, पेटीएम बैंक हो गया, ये सारी चीज़ें पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ट्रेवल्स हो गया, इन सब पे आपको वीडियोस मिलेगा। आपको सीधे यहाँ पे आना है रिचार्ज एंड पे बिल्स पे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल प्रीपेड, पोस्ट पेड, क्रेडिट कार्ड, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बुकिंग, रेंट, ब्रॉडबैंड हो गया और आपका मेट्रोज हो गया, इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है। आप इसमें से कुछ भी जानना चाहते हैं, मोबाइल कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच कैसे, डीटीएच का सब्सक्रिप्शन कैसे पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करेंगे, गैस बुकिंग कैसे करेंगे, ब्रॉडबैंड कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन फ़ी कैसे पे कर सकते हैं। और आपको मेट्रोज के लिए आपको सिर्फ मेट्रो पे क्लिक कर देना है, जैसा मैंने आपको बताया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके साथ हैं ये इतनी मेट्रोज रजिस्टर्ड है, बैंगलोर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, मुंबई मेट्रो। आपको जैसे दिल्ली मेट्रो का यूज़ करना है तो दिल्ली पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप अगर चाहते हैं स्मार्ट कार्ड रिचार्ज, तो आपके पास अगर स्मार्ट कार्ड है तो स्मार्ट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। आप जितना अमाउंट से अपना रिचार्ज करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़। आपको यहाँ पे जो आपका कार्ड नंबर है आपको यहाँ पे फिल कर देना है, आपका कार्ड जो अलॉट हुआ है उसका नंबर आप फिल कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से अमाउंट जितना भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं 500 का या 200 का सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे आप तो वो ले लेगा, बस आपको कार्ड नंबर एंटर कर देना है, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका कार्ड रिचार्ज हो जाएगा 500 रुपीज़ का। और इसी तरह से मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं मेट्रो क्यूआर टिकट को अगर आप डिजिटली वन वे जर्नी के लिए करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप न्यू दिल्ली टू आप दूसरा स्टेशन कहाँ पे जाना चाहते हैं, यहाँ से जैसे कि मैं न्यू दिल्ली टू IGI सेलेक्ट किया, 1 पर्सन 60 रुपीज़ है, प्रोसीड टू पे करूँगा, ये ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा और आपको QR टिकट मिल जाएगा, उसी से आपका टिकट जनरेट हो जाएगा। आप वहाँ जाके पता शो कर सकते हैं टिकट काउंटर पे और आपको वो टोकन मिल जाएगा।
इसी तरह से आपने न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया और फिर आपने जैसे दिल्ली एरो सिटी मैंने सेलेक्ट किया ट्रिप पास के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कितने इतना टाइम का ट्रिप चाहते हैं। 15 डेज़ की वैलिडिटी होगी, 10 ट्रिप आप लगाते हैं, 10 ट्रिप आपका होता है तो 400 चार्ज करेंगे, यानी 60 रुपीज़ के अगर अराउंड 600 पड़ता है, बट वो आपको 400 का पड़ेगा और 15 डेज़ की वैलिडिटी रहेगी, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ से, यानी 200 का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह से आप ट्रिप पास भी बनवा सकते हैं आप। इसी तरह से आप बैंगलोर मेट्रो के लिए भी आप कर सकते हैं। बैंगलोर मेट्रो के लिए कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से अमाउंट एंटर करके रिचार्ज पे प्रोसीड पे क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हैं अपना मेट्रो का। और जैसे मैं बैंगलोर मेट्रो पे बता रहा हूँ, तो बैंगलोर मेट्रो का सिर्फ यही प्रोसेस है कि आप इस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं अपना स्मार्ट कार्ड। और इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, हैदराबाद मेट्रो के लिए भी आप ऐसे ही सेम प्रोसेस है। क्यूआर कोड को जैसे मैंने आपको बताया है कि आप क्यूआर कोड को रिचार्ज कर सकते हैं। आप स्टेशन सेलेक्ट करेंगे और स्टेशन जहाँ से आपको जहाँ बैठना है फिर जहाँ उतरना है उसका रिचार्ज करके आपको टिकट काउंटर पे जाके आप बता सकते हैं, वहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करना चाहते हैं, स्मार्ट कार्ड पे क्लिक करके आप स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे स्मार्ट कार्ड एंटर करेंगे, गेट कार्ड बैलेंस ऐप पे आप क्लिक करेंगे, आपको वो शो कर देगा। सेम प्रोसेस आपको मैं दिखा देता हूँ मुंबई मेट्रो के लिए। मुंबई मेट्रो में भी आप सेम प्रोसेस है, क्यूआर कोड पे स्कैन करके रिचार्ज कर सकते हैं अपना। पहले स्टेशन सेलेक्ट करेंगे कहाँ से आपको बैठना है, कहाँ उतरना है, उसके बाद उसमें पेमेंट आ जाएगा, उस पेमेंट को आप करके आप टिकट काउंटर पे जाके शो कर सकते हैं कि मैंने इतने का रिचार्ज कर लिया है, तो आपको वो टोकन मिल जाएगा। स्मार्ट कार्ड अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो स्मार्ट कार्ड नंबर एंटर करके गेट कार्ड बैलेंस पे क्लिक कर देंगे, तो आपको आपको बता देगा कि आप कितना का रिचार्ज करना चाहते हैं, आप वहाँ से क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्मार्ट कार्ड के बाद मुंबई मेट्रो की फैसिलिटी है स्टोर वैल्यू पास, आ डिजिटल मेट्रो कार्ड यू फॉर योर इजी ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस। अब इस स्टोर वैल्यू कार्ड में आप यहाँ पे एक अमाउंट आप फिक्स करके पे कर सकते हैं, जिसमें आपको डिजिटली एक कार्ड मिल जाता है जो आप पे कर सकते हैं कहीं पे भी। ट्रिप पास तो मैंने बताया, ये दिल्ली के लिए, जैसे आप कंटिन्यू आप जिस जगह पे जाते हैं तो उस जगह के लिए तो वो कार्ड बना सकते हैं, ये आपके लिए ईजी भी रहता है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा या आप मेरे को मेल कर दीजिएगा, पर्सनल मेरे को मेल करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं उस पर रिप्लाई जल्दी कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, आप सब ने देख लिया कि पेटीएम से के थ्रू आप कैसे मेट्रो ट्रेन के टिकट्स का बुकिंग कर सकते हैं, और बहुत इजीली है, बहुत इजी प्रोसेस, वीडियो बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, आपको वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पेटीएम के द्वारा ही मेट्रो ट्रेन के टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक पेटीएम इंस्टॉल्ड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इंस्टॉल करके केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप मेट्रो ट्रेन के टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपने मेट्रो ट्रेन का वीडियो अच्छा लगा है मेरा, देन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इनका इसका नॉलेज मिल सके और वो भी मेट्रो ट्रेन का पेटीएम से ही बुकिंग कर सके। और मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट की जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए, मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइजर रखिए अपने आपको, सैनिटाइजर का यूज कीजिए और हाथों को हमेशा धोते रहिए टाइम टू टाइम पे, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए जहां तक हो सके, और बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, वियर अ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, कोशिश कीजिए भीड़ भाड़ से बचने के लिए की। और मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए,
एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.